एक जनरल सा डाउट आता है, काफी लोगों के दिमाग में आता होगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती पर वो हमारे एग्जाम में आते हैं, उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटा देना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो उन सबका एक सिंपल सी कहावत से आंसर देते हैं। वो आंसर क्या है कि जो लॉर्ड विलियम थे वो काफी बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो पशु पक्षियों के अलावा हवा में उड़ सके, अपने से ज्यादा वजन की चीज कभी भी हवा में उड़ नहीं सकती। और उसको चुनौती देते हुए राइट ब्रदर्स ने 12 साल की मेहनत के बाद हेलीकॉप्टर बना के दिखा दिया, हवाई जहाज बना के दिखा दिया, उड़ा के दिखा दिया और कहा देखो ये लोहे की चीज भी हवा में उड़ सकती है। वो पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उसकी थ्योरी पर 100% बिलीव ना करके अपनी मेहनत पर बिलीव रखा। तो सर पॉसिबल सब कुछ है क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद अपने आप में चीख चीख के कहता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पी यानी आई एम पॉसिबल। तो आप कैसे मान सकते हो कि ये चीज इम्पॉसिबल है? थ्योरी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा जाते हैं उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा रट्टू तोता बना दे, उनका उद्देश्य ये होता है कि आपके अंदर बेसिक तर्क शक्ति पैदा हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो कभी भी अपने दिमाग के अंदर ये चीज डाउट कभी नहीं लाना है कि जो सब्जेक्ट हमको पढ़ाए जा रहे हैं हमारे बिल्कुल इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं है। अगर आप रट्टू तोता बन के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो इररिलेवेंट है, लेकिन अगर आप वाकई तर्क शक्ति के साथ उनसे कुछ सीख रहे हो, डेली लाइफ में हमारे इतिहास से की गई गलतियों को दूर कर रहे हो और आगे आने वाली लाइफ को सुदृढ़ बना रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।